द लव ऑफ डोमिनेंस, लोगों के ऊपर अपना गलबा जमाने का जो एक ये इसे मर्ज़ुल क़ल्ब, ये दिल की एक गलीज बीमारियों में मुनाफ़क़त की और निफाक की एक है कि वो चाहता है कि मैं लोगों के ऊपर चौधरी बन, मेरा लोगों पर टैका हो जाए, सब मेरे नीचे आ जाए। हर क़यादत को थोड़ी फॉलोअर से मिलती है, मगर इससे उसकी क़यादत पे नक्श थोड़ी उठाया जा सकता। ये तो अल्लाह की देन है, किसी को ज्यादा मिलती है किसी कम मिलती है, लेकिन क़यादत का जो दर्द है, जो तकलीफ है, इसलिए तो कहा गया है इस्लाम में क़यादत का तसव्वुर यही है कि वो मांगी नहीं जाती। यही सवाल भी आ रहा होगा, इस्लाम में जो क़यादत के एथिक्स हैं, जो क़यादत और इमामत के आदाब हैं, कि ये मांगी नहीं जाती, ये मिलती है। जिसने मांगी है, मेरे ख्याल से सही मुस्लिम की रिवायत है कि हदीस के अल्फाज हैं, उसको देना भी नहीं। जो कहना कि मुझे लीडरशिप दे दो, पॉलिटिकल लीडरशिप, सियासी क़यादत का जो खुद नुमाइंदा खुद बन के सामने आए ना, इस्लाम ने मना किया इसको देने से। अब आप इस पर जमहूरियत और पाकिस्तान के निज़ाम पर और असर हाजिर पे ले जाएंगे तो देखें, मैं इन हालात पर तो इसको नहीं फिट करना चाहूंगा इस टाइम पर, बहरहाल। लेकिन करीना करीना यही है कि जो मांगे उसे मत दो, क्योंकि क़यादत ना पावर के लिए की जाती है, ना फेम के लिए की जाती है, सियासत भी जो है सियासी क़यादत भी, और ना ही वो पैसा कमाने के लिए की जाती है। ठीक है, ये तीन ही है, पावर, पैसा और शोहरत। शोहरत क़यादत हालात के तहत की जाती है, एक नजरिए के तहत की जाती है, एक नीड को एड्रेस करने के लिए की जाती है, एक दर्द को एड्रेस करने के लिए की जाती है, एक मियार को अचीव करने के लिए की जाती है, एक मकाम के हुसूल के लिए की जाती है, एक दौर को अदवारों में बदलने के लिए की जाती है, जर्रे को पहाड़ बनाने के लिए, लम्हों को लम्हात में बदलने के लिए की जाती है। क़यादत तो जरूरियात और हाजात से बढ़ के रूहानियत को अचीव करने के लिए की जाती है। ये तो होती ही मिन जानिब अल्लाह है, जिसे मिल जाए, इसलिए जिसे मिले वो उससे पीछे हटे, जिसने इसको तलब किया है, इस्लाम के पर्सपेक्टिव में इसके नफ्स में मर्ज है, जिसने क़यादत को तलब किया है, और ये मर्ज तक ले जाएगी, क्योंकि तस्किया नफ्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो हम पढ़ते थे वो था हुब्बुल उलुफ, द लव ऑफ डोमिनेंस, लोगों के ऊपर अपना गलबा जमाने का जो एक ये इसे मर्ज़ुल क़ल्ब, ये दिल की एक गलीज बीमारियों में मुनाफ़क़त की और निफाक की एक है कि वो चाहता है कि मैं लोगों के ऊपर चौधरी बन, मेरा लोगों पर टैका हो जाए, सब मेरे नीचे आ जाए, मेरी राय भी सब पर मुकदम कर दी जाए, मेरा फतवा भी सब पर मुकदम कर दिया जाए, और मेरा इल्म भी सब पर मुकदर कर दिया जाए, और मेरा डंडा भी सब पे मुसल्लत कर दिया जाए। ये बीमारी है बहुत बड़ी, इसे तस्किया नफ्स के अंदर मुसलमानों के इमामों ने बहुत एड्रेस किया, हुब्बुल उलुफ, द लव ऑफ पावर एंड लीड, द लव ऑफ पावर एंड डोमिनेंस। इससे तो पनाह मांगते थे बड़े लोग कि अल्लाह हमें ना मिले, लेकिन इसलिए जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मिल रही थी, हजरत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन अबू बकर सिद्दीक को पॉइंट कर दिया कि आप इनको दे, क्योंकि दे न्यू के ये काम, क्योंकि ये इंसान अपने नफ्स के लिए जब करता है ना, तो ये तो इस पे तो बर्बादी है इंसान, क्योंकि ये प्योर एक कॉज की सर्विस के लिए करता है। लेकिन तो लीडरशिप का एक और मजा उठाएंगे, बुरी लीडरशिप हो या अच्छी लीडर हो, अगर उसकी एक सिफत ये है कि वो जमा कर सकता है, उसकी दूसरी बड़ी सिफत है वो क़यादत किसी कॉज को सर्व करता है। कॉज ही नहीं रहेगा, कॉज नफ्स बन जाएगा, तो वो क़यादत फिर कुछ और करती है। सबसे बड़ा मसला यही है ना जी, क्योंकि क़यादत के साथ एक तीसरा माना लगा दें, फिर आप आगे दोनों कंटिन्यू कर लेगा, वो है कि क़यादत के साथ कुर्बानी बहुत बड़ा एलिमेंट, तो नफ्स के लिए जो चल रही होगी वो कुर्बानी थोड़ी देगा, वो तो कुर्बानियां लेगा लोगों को, खुद थोड़ी देगा। क़यादत नाम ही कुर्बानियों का, कटने मरने का नाम, और पहले कटने का नाम, पहले कटने मरने का नाम है। तो क़यादत सैक्रिफाइस, हालात और बड़ी टेंशन्स के अंदर क्रिएट होती हैं ये चीज़ें। ये कोई मौज मस्तियां थोड़ी हैं कि जिसको इंसान कह के इसमें बड़ी अय्याशी है। जिन क़यादतों में ये चीज़ें आई हैं उन्हें ज़वाल भी बड़ा सॉलिड नसीब हुआ दुनिया में।
लेकिन शेख जैसे आपने कहा कि कयादत जो है मांगी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे लोगों का भी सवाल है कि अगर मुझे फीलिंग आ रही है, एक वाइब आ रही है कि आई एम ए लीडर, मतलब जो जो बातें आपने बताई कि मैं भी यही अभी आप कंटिन्यू जो बातें बताई कि वो लोगों को जमा भी कर रहा है, वो मतलब लोगों को साथ लेके भी चल रहा है, मतलब सारे पॉइंट्स इसमें फैक्टर कर रहे हैं, एक वाइब आ रही है, एक बंदा है, एक बंदा है जो ग्रो कर रहा है और वो एक एज अ लीडर ग्रो कर रहा है और वो सिस्टम आइडेंटिफाई भी कर रहा है, सिस्टम आइडेंटिफाई सॉरी नहीं कर रहा, लेकिन ही नोज दैट आई कैन टेक द शिप, ही नोज दैट आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू गैदर पीपल एंड टू वर्क फॉर अ कॉज। लेकिन जो आपकी वाली बात है कि यहाँ पे जो जो एक बड़ा मैक्रो रखा हुआ है कि हम लीडरशिप जो है वो मांगी नहीं जाती और तलब नहीं की जाती, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि सिस्टम भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा और जो जिन्होंने पिक करना है या जिन्होंने आइडेंटिफाई करना है अगर वो फेलियर पे है या वो जो है वो एट फॉल्ट है, तो क्या इस तरीके का बंदा अटेम्प्ट कर सकता है किसी तरीके से ये एहसास दिला सकता है दैट आई एम द राइट गाय? नहीं, देखें आप इस बात को नहीं समझ रहे कि एक इंसान है वो अपने नफ्स की इज्जत करता है। हम तो वैसे आज चाहते थे मैं डिस्कस करूं कि एक लीडरशिप को क्या क्या चैलेंजेस इंटरनल एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल स्पिरिचुअल आते हैं। अभी वार आपने तो तारीफात के अंदर ही इतना एकेडमिक कर दिया, इसको लोग कहेंगे प्रैक्टिकल बात ही नहीं हो रही यहाँ, ये बातें तो सब कोई कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं तो चाहता हूँ आप मेन मसाइल पे आए कि भाई अभी जो लीडरशिप पे खड़ी है वो किन मसाइल पे खड़ी है। पॉइंट ये है जब आप अपने नफ्स के लिए करते हैं ना, ये भाई मेरे नफ्स को चढ़ी कि यार मैं कोई बड़ा पहुंचा हुआ, मुझे यहाँ होना चाहिए, मुझे यहाँ होना चाहिए। जब इंसान ने अपने नफ्स को ग्लोरीफाई करने के लिए, जब इंसान ने अपने नफ्स को ग्लोरीफाई करने के, अपने नफ्स की ताजीम और तकरीम के लिए क़यादत अपनाई है, तो वो पहुंच जाता है कहीं पर, लेकिन एक लेवल पर थक जाएगा, नफ्स की भूख खत्म हो जाएगी, नफ्स की ताजीम खत्म हो जाएगी, नफ्स का मजा खत्म हो जाएगा, छोड़ देगा। इसलिए अपने नफ्स से बड़े टारगेट को और अपने नफ्स से बड़े विजन को और अपने नफ्स से बड़े अजम को लेके अगर वो बढ़ेगा तो ही वो शहीद हो सकता है उस रस्ते।